अशोक नगर के विवेक टॉकीज की गली में दुकान पर काम करने वाला 14 वर्षीय का बालक एक दिन दुकान पर नहीं आया, जिससे दुकानदार इतना नाराज हो गया कि उसने लड़के को काम करते देख समय चाटा मार दिया। दुकान मालिक यहीं नहीं रुका, उसने लड़के को लात भी मारी, जिससे लड़का दुकान के बाहर गली में जा गिरा। बच्चे ने रोते हुए किसी व्यक्ति के फोन से अपने घर पर यह घटना बताई। इस बात की जानकारी जब दुकानदार को लगी तो वह बच्चे को दुकान से दूसरी जगह लेकर चला गया। इसी दौरान लड़के के परिजन भी दुकान पर पहुंच गए। जब दुकान पर बच्चा नहीं मिला तो दुकान पर हंगामा करने लगे, लाठियां लेकर दुकान पर चढ़ गए और सामान फेंकने लगे। घटना की जानकारी लगने के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस दौरान बच्चे की नानी ने बताया कि उनके घर में कोई गमी हो गई थी, इस वजह से नाती एक दिन दुकान पर नहीं आ पाया था। अम्मा क्या हो गया? मुड़ा कहाँ है वो? तो कल मेरी बहू को खर्च है तो मुड़ा नहीं आओ काम पे। कल खर्च होगा आज मुड़ा काम पे पहुँचा दो। इन्हें मारो और मार के कहने कहा तो ऑफिस में बंद करो। पोता बेन डेट है कि मुड़ा तो लगता है। अबे तुम लोग मुड़ा नहीं मिलो? नहीं, मैं झाड़ू लगा रहा था, उसने आके मुझे मारा, आगे चांटा मारा और लाते ही मेरे पीठ में। बेटा तेरी उम्र कितनी है? 14 साल। 13 में चल रहा मारा? सही हम भैया। क्या काम कर रहे थे तुम? हम झाड़ू लगा रहे थे। और होटल में क्या काम करते? उसकी क्या बर्तन मांगते। बर्तन कितने साल से काम कर रहे हो बेटा? अभी 2 महीने हुए। सर, आज कमल जी सेंटर पे काफ़ी विवाद हुआ है। वहाँ पर 13.5 साल का बच्चा शिवा कोडी नाम का वहाँ पे काम कर रहा था, बच्चे के साथ में मारपीट की गई है। इस बारे में श्रम विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? श्रम विभाग ने इस पर विगत माह में एक कार्रवाई भी की हुई है। इसमें कमल जी सेंटर के यहाँ पे से ही एक बाल श्रम को नियुक्त कराया था। उनके संबंध में अभी उनको नोटिस भेजा हुआ है, उनका जवाब भी अभी इस संबंध में अभी आया नहीं है और उस पर अभी कार्रवाई इस पर अभियोजन की जा रही है। हमें बाल श्रम का इसमें जो उस समय बालक जो मिला था, मेरी जानकारी में नहीं है अभी वही बालक है, क्योंकि उस समय जो बालक मिला था तो उस बालक का जो है हमने बाल कल्याण समिति के समक्ष उसमें प्रस्तुत किया गया था। उस समय प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित के माँ बाप को बाल कल्याण समिति द्वारा भी मेरी जानकारी में आया था, उनके द्वारा उनको सबूत में दिया गया था और चूँकि उसमें नियोजक की गलती थी अभियोजन की कार्रवाई इसमें जारी। अभी लगातार ये पहले भी आपने प्रकरण दर्ज किया था, ये नया बच्चा उन्होंने वहाँ पर काम करने के लिए रखा जो कि सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक उससे काम करवा रहे और 4,000 रुपये अगर मान दे दिया जाए। अगर उनके द्वारा ये वापस से रखा गया है तो दूसरी बार अगर रखा जाता है व्यक्ति कोई रखता है तो उसमें पुनः अभियोजन की कार्रवाई उसमें संज्ञान में लेकर की जाएगी और उसके लिए फिर से ज़्यादा सजा का प्रावधान है। सर, श्रम विभाग के संज्ञान में ऐसे कितने मामले आ चुके हैं जो नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है? अपने दिसंबर माह में हमने पहले कार्रवाई की थी तो उस संबंध में भी हमने दिसंबर में, अभी जून में और अगस्त में 3 माह में अभी हमने कार्रवाई की है। ऐसे अभी एक प्रकरण और इससे पहले भी संज्ञान में आया था जहाँ पे हमारे ऐसा बाकी 2 जगह उसमें उम्र से ज़्यादा मिले थे तो उसमें न्यूनतम वेतन का उल्लंघन, उसके संबंध में उनको संबंधित को नोटिस हो जाएगा।